बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होगी, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, हरियाणा निवास में यह बैठक होगी और थोड़ी देर में इस बैठक को शुरू किया जाएगा। सीएम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। साथ ही बीजेपी और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन का भी फीडबैक सीएम लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी ही देर में बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और यह बैठक हरियाणा निवास में होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और इस बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल अपने विधायकों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और उसको लेकर कई जगहों पर विरोध का भी सामना सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को देखने को मिल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से यह बैठक शुरू होने जा रही है, पहले तो आप ये बताइए कि बैठक शुरू हो गई या फिर इसमें कुछ वक्त बाकी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही पलों के बाद जो ये बैठक है, जो अहम बैठक कही जा सकती है बीजेपी जेजेपी के हिसाब से, कहीं ना कहीं जो कुछ ही पलों के बाद ये शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, सरदार निशांत सिंह भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं, जो बीजेपी को समर्थित हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, चाहे निर्दलीय हों चाहे जेजेपी के विधायक हों, तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जो जिस हिसाब से इस बैठक का जो आकलन किया जा रहा है, ये वो यही है कि किसान आंदोलन जिस प्रकार से लगातार हावी होता जा रहा है, लगभग 7 महीने होने को आए हैं, किसान दिल्ली के वोटरों पे डटा हुआ है, हरियाणा में जगह जगह बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, तमाम इन सभी चर्चाओं पे जो फिलहाल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल फीडबैक लेने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विधायकों से आपको क्या परेशानी आ रही है आपके हलके में जाने पर, किन किन लोगों के द्वारा आपको विरोध किया जा रहा है, कैसे कैसे आपका विरोध हो रहा है, तमाम जो फीडबैक है वो जुटाया जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि लगातार जो विरोध हो रहा है उस पर फीडबैक लेंगे, लेकिन जिस तरह से गृहमंत्री का भी बयान आया था और अब डिप्टी सीएम का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है वो किसानों के हाथ से निकल गया है, इस पर राजनीतिक लोगों की पकड़ हो गई है और ये एक कमाई का जरिया बन गया है, यानी कमाई का अड्डा बन गया है। उसके बाद आपने देखा कि कैसे किसान जो है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी जेजेपी नेताओं का जो विरोध हो रहा है लगातार, उसको देख के ये लगता है, पहले तो क्या था कि पहले जो विरोध था वो सरकारी प्रोग्रामों का जो है किसान नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जाता था। बिल्कुल, अब गुरनाम सिंह चड्ढा का एक नया बयान आया, जो प्रोग्राम बीजेपी जेजेपी सरकार का, चाहे प्राइवेट प्रोग्राम हो, कोई निजी प्रोग्राम हो या फिर चाहे सरकारी प्रोग्राम हो, दोनों का विरोध करना है। तमाम तरह की जो जिस प्रकार से अटकलें आ रही हैं, कुछ दिनों पहले झज्जर की बात हम करेंगे, जो बीजेपी का जो नींव का पत्थर था, जो ऑफिस बनाना था उसकी नींव रखी गई थी, उसका पत्थर उखाड़ दिया गया। उसके बाद कल कंवरपाल गुज्जर के प्रोग्राम का, जो कष्ट निवारण की समिति का जो प्रोग्राम था उसका विरोध किया गया। उससे पहले देवेंद्र बबली की घटना देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। दुष्यंत चौटाला कल चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण करने गए थे सिरसा में, उनका विरोध किया गया। इसी प्रकार का, इसी कड़ी में एक दुष्यंत चौटाला की जनानी एक्सपायर हुई थी, वो उनके घर बैठने गए थे, हालांकि उनका उस प्रोग्राम का भी इन्होंने किसानों के द्वारा विरोध किया गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सरकार इस पर फोकस करना चाहती है,
कैसे इस आंदोलन से निपटा जाए, कैसे तमाम जो चीजें हैं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनसे निपटा जाए, इस पे लेकर काफी गहन चिंतन होने वाला है इस बैठक में। इसके अलावा जो प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो विकास कार्य हैं, वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच रहे, क्या उनमें कमियां हैं, कैसे वो कार्यक्रम आम लोगों तक पहुंचे, कैसे वो विकास कार्य गांवों तक पहुंचे, तमाम लोगों तक पहुंचे, तो उसके ऊपर भी एक फीडबैक विधायकों से लिया जाएगा और उनकी राय मशवरा लिया जाएगा। जी, उस पर राय मशवरा लिया जाएगा विधायकों का। लेकिन रवि कालीरामन, जिस तरह से 600 दिन पूरे हुए थे, सीएम ने माना था कि उन्होंने विकास की कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने माना था कि रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ गई है। डबल शिफ्टों में भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने काम किया था, सरकार ने काम किया था और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई थी, क्या उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा कि जो कोरोना काल में बहुत से ऐसे विकास के कार्य हैं जिसकी रफ्तार धीमी है उसमें गति लाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी? हुआ उसके बाद जब कोरोना थोड़ा सा हल्का पड़ना शुरू हुआ, काम दोबारा से जिंदगी पटरी पर लौटने शुरू, उसके साथ ही किसान आंदोलन शुरू हो गया। कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन के प्रोग्राम में उनका जो विकास कार्य है उनमें बाधा डालने का काम किया, क्योंकि जब से किसान आंदोलन चला है तब से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का बाहर जाना मुश्किल हो रखा है, कहीं ना कहीं उनका विरोध का सामना करना पड़ता है, तो वो ऐसे काम उनमें से निकाले जाएंगे कि जिन कामों की घोषणा हो चुकी है, जो काम शुरुआत हो चुकी थी जिनकी, और वो अभी तक अधर में लटके हुए हैं, उन कामों को भी पहचाना जाएगा और उन कामों में तेजी लाने का प्रयास भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। जी, उन कामों में तेजी लाने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन इसमें रवि कालीरमन, जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी बुलाया गया इस बैठक में, इसका एक तरह से निर्दलीय जो विधायक हैं उनको भी कि वो उनको साथ के रखा जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा कि एक दो निर्दलीय विधायकों ने विरोध भी किया था। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल वाजिब बात है खालिद आपकी, कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों का डर जो सरकार को था वो फिलहाल नहीं है, कहीं ना कहीं जो एक पीक था, एक जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे कहीं ना कहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये डर था कहीं जो निर्दलीय विधायक है वो उनके हाथ से ना छिटक जाए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको वहां समझाया बुझाया गया था। हालांकि अब जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, निर्दलीय विधायकों को साथ रखने का प्रयास जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक खास वजह मानी जा रही है, क्योंकि जो विधायकों का, जो निर्दलीय विधायकों का भी विरोध वो उसमें जो किसान है वो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लगातार निर्दलीय विधायक, जितने भी विधायक हैं, मोस्टली विधायक तो सरकार के समर्थन में खड़े हैं। तो हालांकि जाहिर सी बात है, जो किसान है वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के जो चुनिंदा हैं, जो टोटल नंबर्स ऑफ एमएलएज हैं, उनका तमाम एमएलएज का विरोध जो है वो किसान कर रहे हैं। तो हालांकि इसमें से जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे को लेकर निर्दलीय विधायक जो सरकार के साथ, उनको तमाम विधायकों को बुलाया गया है। जी ठीक है, रवि कालीरमन हमारे साथ बने रहिए। इस बीच